हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ग्लॉसी आइबिस के बारे में, जिसे हिंदी में छोटा भुजा कहते हैं। छोटा भुजा एक मध्यम आकार का पाखुंडी वाला पक्षी है, जिसकी लंबाई 48 से 66 सेंटीमीटर, वजन 485 से 970 ग्राम और पंखों की लंबाई 80 से 105 सेंटीमीटर होती है। उनके पास लंबे, पतले, नीचे घुमावदार बिल, चमकदार और शानदार पंख होते हैं। प्रजनन करने वाले वयस्कों में लाल भूरे रंग के शरीर और चमकदार बॉटल ग्रीन पंख होते हैं। गैर प्रजनन और किशोरों के शरीर हल्के रंग के होते हैं। इन पक्षियों के चेहरे की त्वचा ऊपर और नीचे नीले भूरे से लेकर कोबाल्ट नीले और लाल भूरे रंग के पैरों तक होती है। बगुलों के विपरीत छोटा भुजा गर्दन को फैलाकर उड़ते हैं। उनकी उड़ान सुंदर होती है और अक्सर वी गठन में होती है। वे सबसे व्यापक आइबिस प्रजातियां हैं। यह यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिक और कैरिबियन के गर्म क्षेत्रों में प्रजनन करते हैं। वे पश्चिमी भारत में एक निवासी प्रजाति हैं। छोटा भुजा दैनिक पक्षी है। वे मिलनसार और कॉलोनियों में घोंसला बनाते हैं। सर्दियों या शुष्क मौसम के दौरान ये पक्षी आम तौर पर छोटे झुंडों में रहते हैं। वे अक्सर रात में अन्य प्रजातियों के साथ बड़े झुंडों में सामूहिक रूप से घूमते हैं। छोटा भुजा तैरने में सक्षम है, हालांकि वे आम तौर पर गहरे पानी से बचने की कोशिश करते हैं। छोटा भुजा मांसाहारी होते हैं। वे जलीय भृंग, ड्रैगन फ्लाइज, डैमसल फ्लाइज, टिड्डे, क्रिकेट, मक्खियां और कैडिस फ्लाइज जैसे कीड़ों को खाते हैं। उनके आहार में जोंक, मॉल्स, क्रस्टेशियन और कभी कभी मछली, उभयचर, छिपकली, छोटे सांप और घोंसलों के पक्षी भी शामिल हैं। छोटा भुजा एक विवाही होते हैं और जोड़े बनाते हैं। नर और मादा दोनों घोंसले का निर्माण करते हैं, जो उभरती हुई वनस्पतियों, कम पेड़ों या झाड़ियों के घने स्टैंड में स्थित होते हैं। घोंसला आमतौर पर टहनियों और वनस्पतियों का एक मंच होता है, जो पानी में कम 1 मीटर ऊपर स्थित होता है, कभी कभी 7 मीटर तक लंबा होता है। मादा 3 से 4 अंडे देती है, जो माता पिता दोनों द्वारा 20 से 23 दिनों तक सेते हैं। चूजे लगभग 7 दिनों के बाद घोंसला छोड़ने में सक्षम होते हैं। वे अंडे सेने के लगभग 28 दिनों के बाद भाग जाते हैं, लेकिन माता पिता उन्हें 6 या 7 सप्ताह तक खिलाते रहते हैं, जब तक कि वे पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो जाते। उन्हें कम से कम चिंता वाली प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।